देवास में संस्था नमो नमो द्वारा प्रतिवर्ष निकलने वाली भविष्य शिव बारात का आयोजन 18 फरवरी को होना है, जिसके चलते संस्थापक राजेश यादव ने बताया कि विगत 9 वर्षों से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य शिव बारात माँ चामुंडा की नगरी में निकाली जा रही है। इस वर्ष अनूठी शिव बारात में झाबुआ के वनवासी बंधुओं का परंपरागत नृत्य व अयोध्या में नेपाल से आई शालिग्राम शिला की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल के नेतृत्व में सभी समाज प्रमुखों को शामिल किया जाएगा। शिव बारात सयाजी गेट से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई नागेश्वर मंदिर पहुंचेगी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विगत 9 वर्षों की भांति 10वें वर्ष में भी हमारी संस्था नमो नमो द्वारा देवास में भव्य एवं आकर्षक शिव बारात निकाली जा रही है। इस शिव बारात में इस बार झाबुआ के वनवासी बंधुओं की टोली, यूपी के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित माँ कालका की, राधा कृष्ण की और अघोरी नृत्य की जीवंत झांकी, साथ ही महाराष्ट्र आने वाले भाई बहनों की एक ढोल ताशा पार्टी, उसके अतिरिक्त कर्नाटक से विराट शिव जी का रूप लेकर एक शिव जी हमारे बीच में चलने वाले हैं अघोरियों के साथ, साथ ही केरल की थीम पर बेरसिया के कलाकारों द्वारा तैयार किए गए देवी देवताओं की जीवंत झांकी इस शिव बारात में सम्मिलित रहेगी। नागपुर की पायल धुमाल पार्टी भी इस शिव बारात का आकर्षण का केंद्र रहेगी। एक मुख्य आकर्षण के रूप में अयोध्या में नेपाल से आई हुई रामशिला शालिग्राम पत्थर, जिससे भगवान राम और सीता की मूर्ति बनने वाली है, वो शालिग्राम पत्थर इस शिव बारात का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। इस शिव बारात को निकालने के पूर्व हम सयाजी द्वार पर एक मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देवास के सांसद माननीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी और भाजपा के जिलाध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी के नेतृत्व में देवास के सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी समाज प्रमुखों का सम्मान साल श्रीफल और अभिनंदन पत्र देकर करने वाले हैं। ये पहली बार वनवासी बंधुओं की टोली बुलाई जा रही है, क्या वजह है? नहीं, वनवासी बंधु भैया पिछले 5-6 सालों से लगातार आ रहे हैं, इस शिव बारात का हिस्सा बन रहे हैं, और चूंकि वनवासी बंधु जनजाति बंधु हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, सनातन धर्म का हिस्सा है, तो हर बार इस शिव बारात का एक अंग बनकर हमारे साथ चलते हैं। कितने बजे से? शाम को 5 बजे से सयाजी द्वार से ये कार्यक्रम शुरू होगा। मेरा देवास की जनता से, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आग्रह है कि शिव बारात में बाबा भोलेनाथ के बाराती बनकर हम सब लोग माँ गोरा को बिहाने चलेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।